नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे नई एक्सरसाइज 2.1 जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 के एनसीईआरटी की बुक्स में ये एक्सरसाइज दी हुई है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप देखिए ध्यान से, ये एक्स माइनस टू इज इक्वल 7, इस टाइप की जो क्वेश्चन होता है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वन वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये वहाँ यहाँ पर कोई भी वन टर्म होना चाहिए, एक्स होना चाहिए या वाई या जेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो वो वन वेरिएबल में कहलाएगी। या फिर मान लीजिए जैसे कोई भी नंबर आता है एक्स प्लस वाई इक्वल 4, ये इस टाइप की जो होगी ये टू वेरिएबल में काउंटिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो हम वन वेरिएबल के करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बच्चों का मतलब होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड टर्म होता है वो राइट हैंड टर्म के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, अब इसमें जो लिखा है एक्स माइनस टू इज इक्वल 7, तो एक्स माइनस टू की वैल्यू वही है जो 7 की वैल्यू है। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, आइए हम इसको सोल्व करके हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 7th क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर आपको देखना है कि ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना है जो हमारे टर्म होते हैं एक्स वाई को छोड़कर जो भी बाकी जो टर्म होंगे टर्म होता है वो, अगर इधर कोई नंबर माइनस का है तो इधर आकर वो प्लस का हो जाएगा, और इधर कोई प्लस का है तो इधर आकर वो माइनस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, और इधर जो डिवाइड में है वो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसको करूँ दोबारा, ये देखिए x माइनस टू इज इक्वल 7। ठीक है बच्चों, आप देखिए x इक्वल 7, यहाँ पर ये माइनस टू है, माइनस टू को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का नंबर जो है इधर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई है बच्चों। अगर हम देखिए, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इस जो इक्वेशन होती है उसको चेक भी हम इसको कर सकते हैं। चेक करने का मतलब, देखिए जो हमारे राइट हैंड की तरफ है ये 7 है। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड की तरफ भी 7 प्रूव करना है कि 7 कैसे आता है। तो जो हमारी x की वैल्यू आई है वो x की जगह रख देते हैं। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x माइनस टू इज इक्वल 7। अब देखिए x की जगह x की वैल्यू को लिखना है 9 माइनस 2। ठीक है, 9 माइनस 2 क्या होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। देखिए 7 और 7 के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। दोनों जो पार्ट है, जो दोनों टर्म है इक्वल के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गई है। आइए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा वाई प्लस 3 इज इक्वल 10। ठीक है बच्चों, ये भी देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो y इज इक्वल 10 ये हम लिख लेते हैं। अब इधर देखिए ये प्लस 3 है, इसको इधर ले जाना है आपको, राइट हैंड की तरफ ले जाना है, इधर ये प्लस का तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब y इज इक्वल 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यहाँ पर देखिए 6 इक्वल जेड प्लस 2। ठीक है बच्चों, आइए इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, आपको ये देख रहे होंगे कि जो एक्स वाई वाले टर्म थे वो इधर लेफ्ट हैंड की तरफ थे, इसमें राइट हैंड की तरफ लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी हो, हमें ये इक्वेशन ही होती है। तो जो हमें सिंगल टर्म होते हैं वो हमें उसके साथ वो लेके आना होता है। अब देखिए जैसे जेड को तो नहीं लेके आएंगे, ये प्लस टू है, प्लस टू को हम इधर लेके आएंगे, इधर प्लस टू है, इधर आकर ये माइनस टू हो जाएगा। तो 6 माइनस टू इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब 6 में से 2 माइनस कर दीजिए, 4 आ गया, और 4 इक्वल जेड, यानी कि अब जेड की वैल्यू क्या हो गई, आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल 4। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका आ गया। तो बच्चों ये थे 3 क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। और हाँ बच्चों, जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उस पर जाकर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बच्चों आपको जो मेरी वीडियो है वो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएँ, चलो कदम बढ़ाएँ, देश को शिक्षित बनाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।